सो हेलो स्टूडेंट, अगर आप सी ए फाउंडेशन फाइनल या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी, पहले तो मैं बता दूं जो कि मैं सी ए फाउंडेशन का रिजल्ट जो था ढेर सारे स्टूडेंट ने शेयर किया, उसमें से कुछ दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट का रिजल्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल स्टोरी भी लगाई, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं रिजल्ट कैसा आया इस बार का। और स्टूडेंट थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो रही बिकॉज ऑफ पीछे पूजा चालू है गणपति बप्पा मौर्या। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट चेक कैसे चेक करना आप पता कर लिया सी एस जुलाई वाले स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट फेल हुए वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो फाइनल के स्टूडेंट हो वो भी अपना रिजल्ट मुझे शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट आज इस वीडियो को बनाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ है, सी ए फाउंडेशन फाइनल इंटरमीडिएट न्यू इंटरमीडिएट ओल्ड और फाइनल, ये स्टूडेंट जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे वो एग्ज़ाम फॉर्म का डेट क्या है कैसे भरेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है आईसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे स्टूडेंट वाले सेक्शन दिख जाएगा उस पर क्लिक कर देना है सिंपली आपको। जैसे आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे स्टूडेंट क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने का और नीचे देख लीजिए आपको एग्जामिनेशन पोर्टल करके दिख रहा है, आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक कर दीजिए। अब यहीं से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिलेगा, यहीं से आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। आईसीए ने तीन वेबसाइट भी दिया था, आप उससे भी रिजल्ट चेक कर सकते थे और रिजल्ट यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पे पहले जुलाई 2021 करके आता था, अब आ रहा है दिसंबर 2021, एग्ज़ाम डिटेल यहां से मिल जाएगा आपको। और जो रहा इम्पोर्टेंट डेट्स आज के वीडियो को बनाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस, स्टूडेंट अभी तक अगर आपने वीडियो को YouTube चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, बिकॉज ऑफ हर आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी यहाँ पे। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फाउंडेशन फाइनल ओल्ड फाइनल न्यू इंटरमीडिएट आईपीसी इंटरमीडिएट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। देख सकते हैं स्टूडेंट आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा आप फिलअप करना चालू हो जाएगा आपको 16 ऑफ सितंबर से, यानी कि दो दिन बाद से जो स्टूडेंट जुलाई 2021 वाले फेल हुए वो भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ढेर सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट सर का डिक्लेरेशन फॉर्म भरना मुझे मुझे भी भरना पड़ेगा, मैं तो फेल हो गया हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी आपको भरना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। सेकेंड, लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट है आपका स्टूडेंट 30th of September 2021, यानी 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो जाएगा, वरना 30 तारीख लास्ट डेट होगा, 30 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, जो जुलाई 2021 का डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको मैं भर के दिखाऊंगा आपको, और फिर सेम टू सेम आपको दिसंबर 2021 के लिए भी भरना पड़ेगा। दोनों वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जुलाई वाला फॉर्म कैसे भरना है, दिसंबर का, कल आपको एक डेमो दे दूंगा। सो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन स्टूडेंट, लास्ट डेट जो होता है लास्ट डेट पहले बता देता है इसी, मगर जब लेट करते हैं आप तो आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। अब इसका लास्ट डेट है आपको 3rd October 2021, तो इसमें आपको फ़ी भी चार्ज करते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, अप्लाई फॉर इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंसर बुक फाइनल ओल्ड फाइनल न्यू फाउंडेशन जुलाई 2021, इसका अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ नहीं समझ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा और इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए चैनल पर। सो स्टूडेंट और यहाँ पर आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग कब से हो रहा है, और फीस आपका आप पे फीस एक्स्ट्रा चार्ज होगा जब एक लास्ट ड्यू डेट के बाद भी अगर लास्ट डेट आपको है, तो मतलब कि अगर आप 30 तारीख के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो भी आप भर सकते हैं 3 तारीख तक, मगर आपको फ़ीस चार्ज किया जाएगा एक्स्ट्रा। अब आई यहाँ पे एक दिसंबर 2021 है जो इस पर एग्ज़ाम डिटेल है, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। हेल्प ऑन रजिस्टर कैसे भरना है एग्ज़ाम फॉर्म सर, मैं इसकी वीडियो आपको दे दूंगा लाइव विदाउट कहीं अगर आप साइबर पे जाएंगे तो आपको फ़ीस चार्ज करेगा, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कैसे भरना है फॉर्म, आप कहीं से भी भर सकते हैं लैपटॉप से या फिर पीसी से। सेकंड, एंसर ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये ऐसे ही है,
कि पीडीएफ नॉट जनरेट। हाँ, ये कम एक आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे तो एक पीडीएफ जन एडमिट कार्ड जब आएगा आपका तो पीडीएफ जनरेट होता है उसमें। अगर आप वो मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टूडेंट, आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये है चेक योर पेमेंट। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो 1500, आपको पता होगा कि 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगते हैं एग्ज़ाम फॉर्म का। तो आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम 1500 पे करेंगे तो आपको अपना पे किया हुआ रिसिप्ट मिल जाएगा वहाँ से। अब ये देख लीजिए स्टूडेंट, जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन जून 2021, इसमें आपको जब दिसंबर का आ जाएगा तो सेम टू सेम होगा, डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन दिसंबर 2021 एप्लीकेंट, खाली इतना ही चेंज होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। इसके ऊपर कल मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, हो सके तो अगर आज डिक्लेरेशन फॉर्म आता है तो कल उसके ऊपर वीडियो मिलेगी, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं जुलाई 2021 का जो था मतलब जून 2021 वाले रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर्म उसको भर के लाइव बता दूंगा आपको। कल आप वीडियो देखना ना भूलें, कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिग। सो वीडियो ही ख़त्म होता है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।